नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वो ये चेहरे हैं जो आपको खबरें दिखाते हैं, साथ ही टेक्निकल टीम जो इस तरीके से काम करती है, सोशल मीडिया पर किस तरीके से आपको खबरें मिलती है, वो पूरी टीम आप देख पा रहे होंगे। ये पूरी हमारी टीम है बाबजी नेटवर्क की और आप बाबजी नेटवर्क की पूरी टीम परिवार यहाँ पर जो है इंजॉय करने घूमने आया है, क्योंकि अब आने वाला वक्त जो है आपको तेजी से खबरें देने वाला वक्त होगा, तेजी से आपको अपडेट देने वाला वक्त होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। लेकिन उससे पहले वो ठीक होना चाहिए, आप तक खबरें पहुंचाने का जो तरीका हो वो हमारा अच्छा होना चाहिए। इसलिए जो है लगातार हमारी टीम अब जो है एक इंजॉय करने और एक पार्टी करने जो है यहाँ पर चित्तौड़ और तमाम जो और जगह हम आपको अपडेट दिखाते आएंगे। लेकिन इससे पहले अगर बताऊँ तो इस वक्त हम चित्तौड़ किले पर मौजूद है, जहाँ पर मेरे सहयोगी मेरे साथ आसिफ भी मौजूद है और बाबजी नेटवर्क के जो मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तफ़ा जी वो भी मौजूद है। तमाम जिस तरीके देख पा रहे हैं जो एंकर आपको लगातार खबरें देती है, जो खबरें आप तक पहुँचाती है वो भी मौजूद है। साथ ही जो आप देख पा रहे हैं वो पीछे हमारे जो धनगर है वो यहाँ पर मौजूद है, जो टेक्निकल हमारा आपको व्हाट्सअप और तमाम जो ऐप है उन पर अपडेट आप तक पहुँचवाने के लिए काम करते हैं। हमारे मुश्ताक अलीजा जो चीफ रिपोर्टर है, हमारे ग्राउंड जीरो से खबर पहुँचाते हैं, पवन राव शिंदे है यहाँ पर देख सकते हैं, काशी मंसूरी है, हमारे प्रशांत जी है जो नया गाँव से अपडेट भेजते हैं, साथ एक बात ये मोहन नागदा आप देखते होंगे, तमाम अपडेट जो है फेसबुक पर लाइव दिखते हैं, हर एक अपडेट आपको जो है तमाम देते हैं। साथ ही अगर बात करें प्रशांत जी है, अगर बात किया है तो ये पीडी बैरागी जी हैं जो हमारे साथ मंदसौर से अपडेट देते हैं। साथ ही अगर देख सकते हैं शांतिलाल जी है जो हमारे लिए पीछे से काम करते हैं, पूरी टीम को मजबूती करने का काम करते हैं। अगर देखें तो वो हमारे महावीर जी है जो लिखित और डेस्क संभालते हैं, डेस्क प्रभारी हैं, वो आपको अपडेट देते हैं। इधर देख सकते हैं कमलेश जी भी मौजूद है जो आपको अपडेट देते हैं। साथ ही ये हमारे जो आपको वायरल ग्रुपों में आपके व्हाट्सअप पर जो खबरें मिलती होगी यही वो हमारी टीम के मजबूत खिलाड़ी हैं जो आपको खबरें देते हैं। साथ ही अगर बात किया तो ये चित्तौड़ से हमारे रिपोर्टर हैं, ये भी हमारे को दिनेश जी खबरें देते हैं। अब बात करेंगे और चलेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी से पूछेंगे किस तरीके से जो वॉइस एमपी की टीम आज यहाँ पहुँची है और आखिर इंजॉय करना भी कितना ज़रूरी होता है। मुस्तफा जी क्या कहेंगे? नवीन, बिल्कुल सही कहा आपने कि जीवन में काम के साथ साथ थोड़ा पर्यटन भी ज़रूरी है और बाबजी नेटवर्क की जो समूची टीम है, जिस समय आपने बताया जो लोग हम तमाम लोग पर्यटन के लिए निकले, घूमने के लिए निकले, थोड़ा पिकनिक करने के लिए निकले और इस समय हम कालका माता मंदिर पर है चित्तौड़ की। और जैसा सबको पता है कि कालका माता मंदिर मालवा मेवाड़ की वो जगह है जहां पर हज़ारों श्रद्धालु हर दिन आते हैं और ख़ास तौर पे मालवा मेवाड़ अफीम उत्पादक इलाका है और मालवा मेवाड़ में जब किसान की औसत बैठ जाती है, जब फसल अच्छी होती है तो हर किसान कालका माता की इस चौखट पे आता है, सिर नवाता है, प्रसाद के तौर पर यहाँ पे वो अपनी जो अफीम उसकी औसत बेटी है वो यहाँ पे चढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे भी पूरी बाबजी नेटवर्क की टीम ने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अभी हम लोग इसी चित्तौड़ के किले पर है, इसके बाद बस्सी वाइल्ड लाइफ यहाँ से जाएंगे, फिर बीजापुर जाएंगे, फिर पानगढ़ जाएंगे। तो कुल मिला करके ये साल चुनाव का साल है, विधानसभा चुनाव का साल है, उसके बाद आम चुनाव का साल है 2024। तो चुनाव के पहले बाबजी नेटवर्क की पूरी टीम यहाँ पर पर्यटन के लिए आई है, पिकनिक के लिए आई है और स्वयं नवीन पाटीदार को आप देख पा रहे होंगे, मैं आसिफ से कहूँगा उनको दिखाए किस तरह उन्होंने हैट लगा रखा है और काफ़ी बाबजी नेटवर्क के एक रीढ़ की हड्डी है और पूरे टाइम खबरों में जुटे रहते हैं, पूरे टाइम खबरों में लगे रहते हैं। तो आज वह स्वयं यहाँ पर जब पिकनिक है तब भी वो इस तरफ ध्यान उनका गया और वो खबर कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज बाबजी नेटवर्क की पूरी टीम मस्ती के मूड में है, पर्यटन के मूड में है, घूमने के मूड में है और तमाम लोग इस समय चित्तौड़ किले पर मौजूद हैं। तो ज़ोर से सब लोग एक बार नारा लगाएंगे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। जी नवीन, तो देखा आपने कितना उत्साह यहाँ पर हमारी टीम में है, क्योंकि एक उत्साह परिवार किस तरीके से काम करता है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये पूरा परिवार हमारा बाबजी नेटवर्क का है, जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एंकर हमारे साथ मौजूद है, किस तरह का कितना अच्छा लग रहा है आपको आज इंजॉय में? जी नवीन जी, काफी उत्साह है एंकर्स में भी है, रिपोर्टर्स में भी और पूरे स्टाफ में, जिस तरह से आज खुशी का माहौल है कि पूरे रास्ते हम मस्ती करते हुए झूमते गाते आए और ऐसे ही ये सफर आगे भी हमारा जारी रहेगा। कैसा महसूस कर रहे थे गाड़ी में बैठे हुए? बहुत मजा आ रहा था, बहुत मस्ती करते हुए आए, इस तरीके का मजा मतलब बहुत लाइक मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था इसके अंदर और इतनी अच्छी एयर और वगैरह बहुत अच्छा लगा था और आगे भी हम घूमेंगे इस तरह। तो आपने इंजॉय जो है यहाँ पे पूरी टीम कर रही है साथ, कहेंगे क्या कहेंगे आप? इतना मजा आ रहा है आज, जब लगा सबको काफी टाइम से लग रहा था सबको कि हमको घूमने जाना चाहिए, एक एंजॉय करना चाहिए पूरे परिवार को, तो आज पूरा परिवार एक साथ निकला, एक मतलब इतना मजा आ रहा कि
कुछ कह नहीं सकते और आगे अभी पूरा दिन भर है, पूरे दिन भर के लिए मैं कहूँगा कि आज के आनंद की जय हो। तो मैं अपने मैं मामू से कहूँगा कि इस मजे को थोड़ा बचा के रखे, क्योंकि मामू के चेहरे से ही दिख रहा है हमारे चीफ रिपोर्टर, हमारे सहयोगी, हमारे जाबाज साथी बाबजी नेटवर्क के किस तरह तो मजा उनके गालों से फूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इन गालों पे आज के आनंद की जय। आइए तो मैं नंदू भैया, हमारे जो बहुत कम दिखते होंगे तस्वीरों में, लेकिन हमारा पूरा जो ऐप और पूरी जो टीम को मजबूती से और एक बांध के रखने का काम ये करते हैं, क्योंकि खबरें आपको ऐप और वेबसाइट पे यही आप तक पहुंचाते हैं। इनका आगे चले तो एक बटन दबाए और चैनल बंद। अच्छा। क्या क्यों, इनके हाथ में ही सब कुछ है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, जैसा इनने कहा है कि चैनल इनसे चल रहा है ऐसा नहीं है, चैनल सब लोगों से चल रहा है और सबका जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है, कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। चैनल तो बहुत सारे बने हुए हैं और आपने देखे भी होंगे, लेकिन जो अपडेट्स जो मिलती है, जो फास्ट अवेलेबिलिटी रहती है न्यूज़ की, वो इन लोगों की वजह से है। हम एक माध्यम है सिर्फ काम करने का, और जो रिफ्रेशमेंट का जो प्लान इन लोगों ने किया है, इट वॉज आउटस्टैंडिंग और बहुत अच्छा लगा मुझे घूम के। ये पूरी फैमिली का एक ट्रिप हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई एंजॉय इट। तो मैं आपको एक और चेहरा दिखाऊंगा कि ये चेहरा भी वो चेहरा है जो सिस्टम का काम करता है, कंप्यूटर का काम करता है, जिसते पीसी सिस्टम हमारे यहाँ लगे हैं तो ये लगाते हैं, पूरा मैनेजमेंट ये देखते हैं, और इनको भी कभी कभी फोन लगाते हैं तो ये दो घंटे बाद आते हैं, तो उसे भी नाराजगी रहती है। ऐसा क्यों करते हैं आप हमारे साथ? सर अब टाइम से आऊंगा और आज से फ्रेश हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल आपके साथ आया हूँ, घूम रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। बॉस के साथ आए हैं, बॉस ने हमें परिवार समझा और हम हमेशा बॉस के साथ खड़े रहते हैं। हमारे लोग फोन लगाते तो आप आते क्यों नहीं हो? अब सोमवार से जो है बिल्कुल टाइम से आएंगे और टाइम से काम होगा आपका और आगे की तैयारी। देखिए नवीन जी, जब ये टूर प्लान किया था आपने, और टूर प्लान करने के बाद जो पहली बात जो सारे लोग बैठे थे और सबने कहा कि कौन कौन टूर पे जाएगा, तो अधिकांश लोगों ने जो पहला नाम लिया वो दशरथ धनगर का था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत दशरथ की लोगों को होती है, तो सबने उठाते ही कहा कि दशरथ जी ने जरूर बुला जो। तो दशरथ जी हमारे साथ है, हमारे सौभाग्य की बात है। तो और हमारे साथ हमारे जाबाज साथी वॉइस ऑफ एमपी के पवन राव शिंदे, और जैसा कि आप तमाम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कितने स्मार्ट और कितने हैंडसम है, और ख़ास कर बिल्कुल सिंघम 2 की तरह। पवन जी, आप हमेशा लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, आज हम आपका इंटरव्यू लेते हैं, कहिए क्या कहना है आपका इस टूर के बारे में? सभी साथियों को इंतज़ार था इस संडे के सुबह के 10 बजे का कि कब हम बाहर जाएंगे घूमने, और आज वो सफ़र तय हो चुका है कि बॉस के साथ हम निकल चुके हैं घूमने, तो इसीलिए सबको बधाई हो वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को। तो देखा आपने कि सब लोग यहाँ पर घूमने के लिए निकल चुके हैं, आप तो अक्सर इनको बोलता हुआ देख ही पा रहे होंगे, लेकिन एक बार वो सुन लो आप, क्या कहेंगे आप? अब मेरे पास शब्द नहीं है, अगर हम आदरणीय हमारे मुस्तफा जी के साथ आए हैं तो हमारी जो एनर्जी लेवल है वो 4 गुना हो गई है, और जो आज का आनंद है उसकी मैं अपने आप में कल्पना नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों ने मुझे आपके साथ बुलाया और इस आनंद में 4 चांद लगे आपके साथ आने में, और बॉस के तो क्या कहने हैं, आप इस क्षेत्र के नहीं अपने मध्य प्रदेश के नंबर 1 हैं। इसके लिए मैं बहुत पूरी टीम को और आप नवीन भैया को भी जो पूरे मैनेजिंग काम करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के आनंद की जय। मैं मायूर भाई, जो हमारे आप तक लिखित खबरें पहुंचाते हैं, अपडेट पहुंचाते हैं, उनसे पूछेंगे किस तरीके से जो है उनको किस तरह का महसूस हो रहा है, क्योंकि इनका भी एक बड़ा योगदान वॉइस ऑफ एमपी में रहता है। मायूर जी, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? जी नवीन जी, मैं बताना चाहूँगा, जब से वॉइस ऑफ एमपी के दफ्तर से हम सभी साथी एक साथ निकले, जब से सभी में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, जैसे ही चित्तौड़ पहुँचे उत्साह और 2 गुना हो गया, और आगे आगे ये उत्साह और बढ़ने वाला है। आपके साथ हम हर ब्रह्मांड का अपडेट देते रहेंगे। तो देखा आपने कि एक भारी उत्साह यहाँ पर है, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सेल्फी का दौर भी यहाँ पे शुरू हो चुका है, क्योंकि आप फोटो सेशन ही चलेगा पूरी गाड़ी में और 70 रास्ते पर, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम घूमने के लिए क्षेत्र मतलब हम मनासा विधानसभा क्षेत्र देखते हैं, मतलब वहाँ पे तो दिमाग ऐसा हो जाता है पूरा दिन भर काम करते करते, लेकिन पिकनिक मनाना भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल वो होता है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख, जोरदार बात बोली डॉक्टर साहब आपने कि रात दिन काम करके एक उस इस दौरान थोड़ा रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, तो आज वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम नवीन जी के नेतृत्व में हम लोग पिकनिक में निकले हैं, और जब से सबसे पहले कालका माता के दर्शन करके पिकनिक की शुरुआत की है, तो कोशिश करेंगे कि ये पिकनिक ख़त्म होने के बाद ताकत से फिर हम तमाम लोगों जो हमारे दर्शक हैं उनको हम खबरें पहुँचाएँ, उन तक खबरें पहुँचाएँ। इस समय
चित्तौड़ के किले पर है, जैसा कि आसिफ थोड़ा आसपास दिखाएंगे के जहां हम लोग इस समय मौजूद हैं। तो नवीन जी, आप इस पूरे मामले में आपकी प्रतिक्रिया बताएं, क्या है? मुस्पा जी, क्योंकि क्या होता है कि खबरों में लगातार हम लगे हुए रहते थे और पूरी टीम चाह रही थी कि हम एक बार एक जो है एंजॉय करने जाएं, पूरी टीम एक साथ काम कर जिस तरीके से काम करती है, तो एक बार काम के साथ साथ जो पूरी टीम घूमने भी जाएं। तो ये जिस तरीके से पूरा ट्रिप बना, जिस तरीके से सारे हमारी टीम के मेंबर चाह रहे थे, परिवार के चाह रहे थे, फिर हमने टीम का मेंबर में सिलेक्ट करके फिर घूमने के लिए निकले, तो एक एंजॉय जो होता है वो एंजॉय हम कर रहे हैं, लगातार खुशी का पल महसूस कर रहे हैं। कितना एंजॉय महसूस हो रहा है हमें, क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे खबरें डालते हैं, तो हमें भी जो है कहीं ना कहीं घूमने का मौका दिया जाए, तो आपके सानिध्य में आपके द्वारा जो है अब हम यहाँ पर निकले हैं, तो एंजॉय भारी है। जिस तरीके से मैं सबसे बात कर रहा हूँ, कितना उत्साह आप देख पा रहे होंगे, उतना उत्साह जो है मेरे अंदर भी है कि किस तरीके से जो है मेरी पूरी टीम मेरे साथ है और टीम जो है लगातार काम भी करती जा रही है और आप तक खबरें भी बता रही है और साथ ही जो है एंजॉय कर रहे हैं वो भी हम आपको एहसास करा रहे हैं किस तरीके से कितना महसूस हो रहा है। देखिए, हमारे साथ हमारी छोटी एंकर देवयानी है। देवयानी, कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर, और आपके नेतृत्व में आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब आपके नेतृत्व में आए? नहीं नहीं सर, आपके नेतृत्व में नहीं, आपके नेतृत्व में आए सर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और फर्स्ट टाइम पे ऑफिस टूर मेरे लिए बहुत एक ड्रीम जैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी साथी जाबाज साथी है, कई सालों से पत्रकारिता में काम कर रहे हैं और रात दिन मेहनत से खबरें आप तक पहुंचाते हैं, सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करते हैं, ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। और कैमरे के पीछे आसिफ है हमारे सहयोगी, उनसे भी बात करते हैं। जरा आसिफ, कैमरा आप इनको दीजिए प्लीज़। क्या कहेंगे आसिफ आप इस पूरे मामले, इस टूर को लेके? भैया, पहली बार आपके साथ आने को मिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और पूरी टीम साथ में है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आसिफ को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, देखिए आप तमाम लोग सेल्फी और फोटोग्राफी में लगे हैं, एक अलग ही उत्साह जो है। हमारे प्रशांत पुरोहित जो है काफ़ी दूर कहीं ज़रूरी फ़ोन को लेके बात कर रहे हैं। हाँ प्रशांत जी, कैसा फील कर रहे हैं? प्रशांत जी आप बताएं। बढ़िया भाई साहब, बहुत समय से, लंबे समय से इंतज़ार था कि आपके साथ में घूमें और भाई साहब एमटी ने हमारे को आज घुमाया, आनंद दिया, तो एक ऊर्जा मिलेगी अब हमको। तो प्रशांत जी भी ऊर्जा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, प्रशांत जी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं एक बार फिर माइक जो है नवीन जी पाटीदार को देता हूँ, जो इसमें पूरे। नवीन जी, आप बिल्कुल ऐसा लग रहे जैसे कोई विदेश से कोई इंसान आया हो, जिस तरह आपने अपना गेटअप बनाया हुआ है आज, बहुत ही एक अलग ही पर्सनालिटी नज़र आ रही है, पत्रकार की जगह आप पर्यटक नज़र आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? मुस्वा जी, ये सब आपसे सीखे हैं कि हर वक्त हर एक नया रूप होना चाहिए आपका, ताकि दर्शक हर तरीके से पसंद करें। तो अगर आप ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पर आप दिन भर आपका चेहरा दिखता है, तो कुछ ना कुछ चेंज होता रहना चाहिए, ताकि आपको लगातार लोग पसंद करते रहें, कोई आपको आपके चेहरे से पसंद करता है, कोई आपके पहनावे से पसंद करता है, तो ये बदलाव शरीर में और अपने कपड़ों में लगातार होता रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात बोली है कि बदलाव होता रहना चाहिए, और इसी बदलाव के लिए बापजी नेटवर्क की पूरी टीम जो है वो आज पिकनिक और पर्यटन के लिए निकली है। तो ये था अब तक का अपडेट, ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।